एक उंगली से चल रहा है इसका पावर स्टीयरिंग, आप देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है होंडा सिटी 2009 मॉडल। इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है, इसका पावर स्टीयरिंग है वो पावर स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है इसका पावर स्टीयरिंग। इसके अंदर मैकेनिकल काम हुआ था, सस्पेंशन का काम हुआ था, स्टीयरिंग रेक उतारी थी, उसके बाद से ये चलना बंद हो गया है। उसके पहले चालू था, एपीएस की लाइट भी आ गई है इसके अंदर, चेक इंजन लाइट भी आ रही है। इसका पावर स्टीयरिंग बहुत हार्ड हो गया है, बंद ही हो गया है, नहीं तो उंगली से चलता है। होंडा की गाड़ी का पावर स्टीयरिंग बहुत बढ़िया चलता है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये हुई है कि इसके अंदर स्कैनर लगवाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बैटरी वाल नहीं निकाला था और ऐसी स्टीयरिंग रेक उतार दी थी। कभी भी होंडा सिटी की अगर पावर स्टीयरिंग रेक उतारना हो तो पहले बैटरी वाल खोल लेना चाहिए, उससे प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर बैटरी वाल लगा रहेगा और स्टीयरिंग रेक उतार दोगे आप, तो इसका पावर स्टीयरिंग बंद हो जाएगा। कोडिंग करवाना पड़ेगी फिर स्कैनर से, मैं इसको कोडिंग वाले को बुलाता हूँ, उससे कोडिंग करवाता हूँ, उसके बाद इसका पावर स्टीयरिंग चालू हो जाएगा। सॉकेट वगैरह सब लगा दिए इसके, मैं कोडिंग वाले को बुलवाता हूँ, स्कैनर लगेगा इसके अंदर। तो मैंने स्कैन वाले को बुलाया है, स्कैन कर रहा है वो गाड़ी। इसके अंदर दो फॉल्ट आ रहा है, जो चेक इंजन जो लाइट आ रही है वो साइलेंसर पे जो सेंसर लगा रहता है उसकी वजह से आ रही है, उससे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ईपीएस की जो लाइट आ रही है पावर स्टीयरिंग की, वो इसकी कोडिंग मिला रहा है, कोडिंग मिला देंगे तो हमारा पावर स्टीयरिंग हो जाएगा इसका चालू। कोडिंग करवा ली है, अब चेक करते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। मैंने चेक कर लिया है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ गाड़ी स्टार्ट करके। ये गाड़ी हमारी हो गई है स्टार्ट, ईपीएस की लाइट भी चले गई है। अब पावर स्टीयरिंग देखो आप, एक उंगली से चलेगा, ये हो गया हमारा पावर स्टीयरिंग चालू। कभी भी आप रेक उतारो स्टीयरिंग रेक, तो आपके साथ भी प्रॉब्लम आए तो आप स्कैनर लगवा लो, इसको क्लियर करवा लो, तो आपका पावर स्टीयरिंग भी चालू हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।